वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये था रात का आशियाना छोटा सा। तुम इवन काम कर रहे हैं अपना, रुक से आए बोलो। हाय व्हाट्सएप नहीं फेसबुक, व्हाट्सएप में ऑनलाइन हो। चलो लेट्स गो। ज़्यादा ये रहा रेलवे स्टेशन। कुछ बढ़िया है, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, नहीं तो अभी लग सकते हैं हेल, पता ही नहीं। हे कैसे हैं दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली ख़त्म होने के बाद ये वीडियो आ रहा है और दीपावली से पहले मैं गया था जोधपुर और उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा मैं। तो जोधपुर में ट्रैवलिंग के लिए नहीं गया था, एक्चुअली किसी और काम से गया था, सो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, वक्त शूट नहीं किया, लेकिन मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो यहाँ से मैं गया, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मतलब सुबह सुबह हो गया कि मैं रेलवे स्टेशन गया और जब मैं टिकट लेने के लिए गया, मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किया था एक्चुअली, तो टिकट लेने गया तो टिकट तो मिला, बट कुछ हुआ ऐसा कि मेरे पास कैश में कम थे और जो टिकट के रेट थे वो उतना मेरे पास कैश था नहीं, और मेरे पास गूगल पे फ़ोनपे में था और वो एक्सेप्ट लेने को रेडी नहीं थे कि गूगल पे फ़ोनपे क्यू आर कोड से किसी प्रकार से वो पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं थे। वो बोले कैश ला के आओ, और वो टाइम मेरा ट्रेन था 6 AM का और वो वहाँ पे टाइम हो गया था 5:25, मतलब 5 मिनट मेरे पास थे और सब कुछ हो गया था प्रोसेस, और मैं बाहर आया फिर कैश निकाला और लेके अंदर गया, और गया तब तक 5:30 हो चुका था, तो टिकट बुक नहीं हुआ, एग्जिट टिकट बुक नहीं हुआ। फिर जो मेरे साथ सेम हुआ ऐसे किसी और के साथ भी हुआ था, तो फिर उन सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो दोनों सिस्टर थे वो और मैं बस में गया। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, एक्चुअली क्या है मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सन हूँ, डिफरेंट इस मीन्स मैं बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ आमतौर पर, सुपता हूँ, गुम सुप रहता हूँ, बुक रीड कर लेता हूँ या वीडियोज वगैरह देख लेता हूँ, बट किसी बातचीत नहीं करता हूँ एक्चुअली। अगर करने लग जाऊँ तो बहुत अच्छी खासी कर लेता हूँ, तो मैं शुरुआत नहीं करता एक्चुअली, और खास तो फीमेल्स, बट उनसे मतलब उनका मेरे साथ सेम ही मॉर्निंग में हो चुका है, तो फिर हम साथ में गए, तो मतलब उनका व्यवहार इतना बढ़िया था, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया वाकई बहुत कमाल का था। देखने वाली बात है, उन्होंने एक मुझे इस तरह एक ब्रदर की तरह ट्रीट किया, एक भाई की तरह मेरे साथ व्यवहार किया, और वाकई में वो भी जोधपुर जाते, जोधपुर के साथ साथ हम उन्होंने खिलाया पिलाया मुझे, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा रियली। और फिर उसके बाद आ गए और वनडे में वही रुका, बहुत लेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन से होता था शायद वो जल्दी पहुँच जा रहे हैं, तो 2-3 घंटे में एक्स्ट्रा लेट था कि गवर्नमेंट बस थी, तो एंड उसके बाद हम इवनिंग में वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध गणेश टेंपल है वहाँ पे गए। मैं रोज तो पहले बहुत कई बार जा चुका था बट टेंपल पे नहीं गया था, तो गणेश टेंपल जाने का अवसर मिला और वहाँ पे गया, और वहाँ के कुछ वीडियो फोटोज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको ऐड कर दूँगा। और फिर सेकेंड डे में रिटर्न आ गया। इसी वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि लॉकडाउन के बाद ये पहला मेरा कुछ बाहर था, प्लानिंग था, मैं बाहर गया था जोधपुर, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग के लिए नहीं था, बाकी मैं और बहुत सारे वीडियोज़ बना था, बस सिर्फ गणेश टेंपल ही हम गए थे और सेकेंड डे में रिटर्न हो गया था। तो बस वही आपसे बात करने की कुछ, और इसके लिए थैंक यू, आपने वीडियो के यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मैं और वीडियोज़ लाने वाला आपके लिए, और मैं इस टाइम पर कुछ और नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह की, तो आई होप आपको पसंद आएगी। आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहेगा, तो मुझे आइडिया आए कि मैं आपके लिए अगले क्या वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।